उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी संघ का प्रांतीय सफाई कर्मचारी सम्मेलन नगर निगम में आयोजित होने जा रहा है, जिसको लेकर संघ के प्रांतीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री सपा सरकार जो विश्व वाल्मीकि ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से वे प्रदेश सरकार को ये बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का समय कर्मचारी किसी भी कीमत पर अपना उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर देश की सरकार ने सफाई कर्मचारियों की मांग जल्द नहीं पूरी करी तो प्रदेश सफाई कर्मचारी एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी, क्योंकि काफी लंबे समय से सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान ओमीलाल वाल्मीकि, राजू भाई अम्बेडकर, वीर सिंह, अमर भारती, टीटू वाल्मीकि आदि लोग मौजूद थे। मैं जुगल किशोर वाल्मीकि, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी संघ। पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की काफी समय से समस्याएं बनी हुई है और हमने अपने ज्ञापन के माध्यम से प्रमुख सचिव नगर विकास को अवगत करा दिया है कि 2 साल का लगभग समय हो चुका है और प्रदेश के शासन से अभी तक सफाई कर्मचारियों की, हमारे अन्य कैडरों के कर्मचारियों की सारी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। बहुत अनुरोध के साथ 1 महीने का समय दिया है कि 1 महीने के अंदर यदि हमारी समस्याओं का निराकरण हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो पूरे प्रदेश का सफाई मजदूर और पूरे निकायों का कर्मचारी सड़कों पर उतरेगा और उत्तर प्रदेश की विधानसभा को घेरने का काम करेगा। हम सीधे सीधे बता देना चाहते हैं, जब आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो नगर निगम का कर्मचारी समाज की सबसे बड़ी सेवा करता है और उसके बाद भी अगर उसके अधिकारों को वंचित कर दिया जाए तो ये बड़ी शर्म की बात है। और हम प्रदेश सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि नगर निकायों, जो कि आपके हाथ में है, स्वच्छ भारत मिशन जैसा, स्मार्ट सिटी जैसा, ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित करा रहा है और उसके बाद भी हमारे लोगों को अधिकारों से वंचित किया जाएगा तो अब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अध्यक्ष नगर निगम कर्मचारी संघ एम सोहान, मेरे भाई जुगल किशोर वाल्मीकि जी प्रांतीय अध्यक्ष, ओमीलाल वाल्मीकि जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो प्रदेश सरकार के लिए अपनी बात जुगल किशोर जी ने रखी है, मैं उससे सहमत हूँ। स्मार्ट सिटी जैसा प्रोजेक्ट जो नगर निगम अपने स्तर से, नगर निगम के कर्मचारी अपने स्तर से रात और दिन एक करके अपना कोर पसीना बहाकर इस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, वाकई में उनके हकों का वांछित किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। हमारी गवर्नमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, हम गवर्नमेंट के हाथ पैर हैं। तो मैं विनम्र निवेदन करूँगा प्रदेश शासन से कि हमारे कर्मचारी जो अल्प आय के कर्मचारी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत के अंदर स्थानीय निकाय के कर्मचारी ही सबसे कम तनख्वाहों का मुलाजिम है, उसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में हम लोग जो हैं, जो हमारे प्रांतीय नेताओं ने निर्णय लिया है, जो इस्तेमाल आ रहे हैं और उसमें आगे का निर्णय और रणनीति बनी है और हमारी कोई प्रदेश सरकार से लड़ाई नहीं है, सिर्फ हम अपना हक मांग रहे हैं। और मैं पुनः निवेदन करूँगा कि कर्मचारियों की समस्याओं को और उनकी भावनाओं को समझकर, उनका जो आपके हाथ पैर हैं, अपने हाथ पैरों को जो है, जब हाथ पैर ही मजबूत नहीं होंगे तो फिर प्रदेश कैसे मजबूत होगा। हमारे कर्मचारी बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, जन सुनने का सीधे नगर निगम देता है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे कर्मचारी किसी भी लाभ से जाएंगे। आप देखिए, हमारा किसी का कोई इस मामले में स्वार्थ नहीं है, लेकिन क्योंकि हम पर कलंक है, हम सफाई कर्मचारी को नेता है, हम नगर निगम के पूर्ण तरीके से जिस तरीके से नेतृत्व करते हैं जैसे कर्मचारियों को लाभ, ये सरकार बैरी है, भूखी है, खानों पर अपने हाथ रखते हुए सफाई करते हैं और लगा कर स्थानीय निकाय को। हम लोगों ने यहाँ जो आप लोग को कष्ट दिया है, तमाम मीडिया को बुला करके, तो मीडिया एक सबसे बड़ी चीज़ है, इसी मीडिया ने देश का प्रधानमंत्री बना दिया, इसी मीडिया ने प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया और यही मीडिया आज हम गरीबों की आवाज़ को उठा करके प्रदेश के कानों तक पहुंचाएगी। हम यही मांग करेंगे कि कल को बहुत बड़ा हमारा नगर निगम, जो हमारी एक विधानसभा है, जो हमारा अपना मूल जगह है नगर निगम, हम उस पर पूर्ण तरीके से कल को बहुत बड़ा हमारा प्रदेश का सम्मेलन होने जा रहा है और आज रात को बहुत से प्रदेश के नेता आ जाएंगे और इस कड़ी में जिस तरीके से सहयोग
हमारे नगर निगम कर्मचारी ने और हमारे एसटीएच नगर निगम कर्मचारी थे और तमाम हमारे जितने भी धार्मिक कार्यक्रम करते जैसे अमित हैं, वो वाल्मीकि प्रकट उत्सव कमेटी का अध्यक्ष है। इस सम्मेलन को पुरजोर तरीके से बनाने की रणनीति की है और उसके साथ में ही हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से कल शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। लेकिन हमने कप्तान साहब से कह दिया है कि शांति व्यवस्था हमारा काम और सुरक्षा देने का काम आपका है। ये बहुत बड़ा सलाम, कल टंडहाल पर नगर निगम के हॉल पर बहुत बड़ा सलाम सफाई कर्मचारी प्रतिनिधियों का इकट्ठा होने जा रहा है। इसलिए मेरी अपील है आप तमाम साथियों से कि अधिक से अधिक पहुंच करके शांति व्यवस्था भी बनाए। और मैं धन्यवाद देता हूँ इस मीडिया को जो जिन्होंने हमारी आवाज को पहुंचाने का काम प्रदेश और देश के अंदर और तमाम सरकारों में पहुंचाने का काम करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं उस मीडिया का। इसके साथ कल के कार्यक्रम की मैं सबको दावत देता हूं और आइए सफाई कर्मचारियों का जलवा देखिए।